नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय संगठन में सत्र 2023-24 में एक नई पहल की शुरुआत होने जा रहा है, बाल वाटिका में एडमिशन, यानी बाल वाटिका 3। पूरे देश भर में 450 केंद्रीय विद्यालय में इस सत्र से शुरू होने वाला है। तो इसके लिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा, हमें कहाँ अप्लाई करना है, हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हमें कब तक अप्लाई करना है, कब तक एडमिशन हो जाएंगे, ये सारे चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, कौन अप्लाई कर सकता है इसमें, हु कैन अप्लाई। KVS में जब एडमिशन होता है तो हमेशा एज को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बाल वाटिका थ्री के लिए जो मिनिमम एज है 31 मार्च 2023 तक, यानी जो भी साल आप एडमिशन ले रहे हैं उसी साल के 31 मार्च तक उस बच्चे को 5 साल पूरा होना चाहिए, और जो मैक्सिमम एज है वो है 6 साल, यानी बच्चे की उम्र 31 मार्च को 5 साल से 6 साल के बीच में होना चाहिए, तो ही वो बाल वाटिका 3 के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरी पॉइंट ये है कि क्या इसमें भी रिजर्वेशन रहेगा। इसका उत्तर है सही, हाँ। इसमें भी KVS की एडमिशन गाइडलाइंस के अनुसार 15% जो है शेड्यूल कास्ट यानी SC क्लास के लिए, 7.5% शेड्यूल ट्राइब यानी ST क्लास, 27% OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए, और 3% डिफरेंटली जो एबल बच्चे हैं उनके लिए। यह रिजर्वेशन एज इट इज रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अभी पूरे देश में जितने भी बाल वाटिका 3 खोलने जा रहे हैं वहाँ एक ही सेक्शन खोल लेगा, यानी 40 स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। 40 स्टूडेंट्स में से आप देख लीजिए अंडर RT, यहाँ पर भी राइट टू एजुकेशन 2009 एक्ट के तहत 25% जो बच्चे हैं जिनको फ्री में एडमिशन देना है उनके लिए 10 सीट रिजर्व रहेंगे। SC के लिए 15% यानी 6 सीट, ST के लिए 7.5% यानी 3 सीट, और OBC के लिए 27% यानी 11 सीट रिजर्व रहेंगे। तो अभी पॉइंट आता है कब अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए जो डेट है वो है 6 जुलाई 2023 सुबह 9 बजे के बाद। 6 जुलाई 2023 गुरुवार से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और जो लास्ट डेट इसका अप्लाई करने का है वो है 18 जुलाई 2023 यानी मंगलवार को शाम के 7 बजे तक। मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप आखिरी दिन तक इंतज़ार ना करें, जितना जल्दी हो सके इसके लिए आप अप्लाई कर दीजिए। अब आए कहाँ अप्लाई करना है। इसका जो पोर्टल है ये सबसे पहला वेबसाइट इसका है kvsonlineadmission.kvs.gov.in, ये है इसका एप्लीकेशन जहाँ आप अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका वेबसाइट है, या तो आप एंड्रॉयड ऐप पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप kvsonlineadmission.kvs.gov.in/apps भी जाके इसको डाउनलोड करके भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं सिलेक्शन लिस्ट, कब तक सिलेक्शन होने हैं। फर्स्ट जो लिस्ट डिक्लेयर होगा वो है 20 जुलाई 2023 को, यानी गुरुवार को ही आपका लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगा, और साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट भी। और जो एडमिशन होंगे वो 21 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक इनके एडमिशन की जो प्रोसेस है वह चलेगा। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बर्थ सर्टिफिकेट, जैसे कि हमने कहा कि बच्चे को 5 साल से 6 साल होनी चाहिए। दूसरा हो गया कि अगर आप SC ST OBC नॉन क्रिमिनल इस कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से साइन हुआ, और एक सर्विस सर्टिफिकेट जहां पर आपके प्रीसीडिंग 7 ईयर्स में जो ट्रांसफ़र हुए हैं उसके डिटेल्स रहे मेंशन, और एक प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। इसके लिए आप कोई भी बिजली बिल, रेंट एग्रीमेंट या कोई गवर्नमेंट अलॉटमेंट लेटर्स, टेलीफोन बिल्स, ये सब चीज़ आप जमा कर सकते हैं। और एक डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए जो सर्टिफिकेट्स होती है सिविल सर्जन या रिहेबिलिटेशन सेंटर से,
इसका प्रोसीजर क्या रहेगा? सबसे पहला रहेगा आरटी का 10% इसमें लॉटरी के तहत लिया जाएगा, पहला स्टेप रहेगा। दूसरा स्टेप में रहेगा डीए, जो डिफरेंटली एबल्ड है उनके लिए 3% सीट्स जो रहेंगे, और देन कैटेगरी वन जो रहेंगे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के, फिर कैटेगरी टू जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रहते हैं आपके ऑटोनोमस बॉडीज़, उसके बाद हम लेंगे स्टेप फाइव एससी, जो 15% अगर आपको पहले जो हम कैटेगरी वन और टू में लिए हैं और उसमें अगर 15% एससी हमको नहीं मिले हैं तो हम यहाँ से लेंगे, और फिर हम लेंगे एसटी 7.5%। ये कंडीशन तब रहेगा जब कैटेगरी वन और टू से अगर हमको जो एससी और एसटी कैंडिडेट चाहिए अगर वो हमको नहीं मिलते हैं तो, फिर उसके बाद हम ओबीसी लेंगे अगर 27% भरा नहीं हुआ होगा तो। देन स्टेप एट में आएंगे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैटेगरी थ्री, और फिर स्टेप नाइन में आएंगे कैटेगरी फोर, जो स्टेट गवर्नमेंट के नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज होते हैं। देन फाइनली जो प्राइवेट जॉब और बिजनेस क्लास के लोग होते हैं वो स्टेप टेन में आएंगे। सबकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एडमिशन की बात किया, एडमिशन के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो क्लासेस चलेंगे वो 29 जुलाई से क्लास इनके शुरू हो जाएंगे, और अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसमें ये कहा गया कि इनकी जो क्लासेस होंगी वो 3 घंटे होंगे, हफ्ते में 5 दिन होंगे, सैटरडे और संडे इनका ऑफ रहेगा, और अभी तक इनके लिए कोई यूनिफॉर्म भी प्रेस्क्राइब्ड नहीं हुआ है। अब आपको फिर से बता दूं मैं कि पूरे देश भर में 450 केंद्रीय विद्यालय को चुना गया है जिसमें बाल वाटिका 3 का एक सिंगल सेक्शन ओपन हो रहा है। मैं वो लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी लिस्ट को ले पाएंगे, चेक कर पाएंगे कि आपके पास की जो केवी है वहाँ पर क्या बाल वाटिका खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। यह था कंप्लीट एक वीडियो। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि इसमें सिंगल गर्ल चाइल्ड का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा जैसे कि क्लास वन में था, यह पॉइंट मैंने वहाँ मेंशन करना भूल गया था। और बाकी जो पॉइंट्स हैं सारी जो केवीएस गाइडलाइंस है क्लास वन के लिए उसके तहत ही यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस होंगी। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं @akm.kvs@gmail.com पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग्स।